Hey you guys, welcome back to my channel #NeetuShree. A very happy Diwali to all of you. I am welcoming you all with Diwali Riyaz. So guys, अभी दिवाली में कुछ दिन बचे हैं और मैंने ये वीडियो शूट किया है आपको दिखाने के लिए एक दिवाली लुक जो मैंने क्रिएट किया है. कैसा लग रहा है मेरा लुक? एंड मैंने दिए भी जलाए हैं आज. सो गाइस, दिवाली पे क्या करते हैं आप लोग, बस जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में. सो गाइस, मैंने ये वीडियो चिट चैट वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि अभी भी मेरे घर के बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा नॉइजेज आए, तो इसीलिए मैंने वॉइस ओवर किया है वीडियो में. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये इजी बीजी सा लुक कैसे क्रिएट किया है. हैप्पी दिवाली फिर से. तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये NY बेकर स्किन फिडेंट सीरम विद विटामिन ई एंड विटामिन B3. काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट कर देता है आपके फेस को, तो मुझे ये बहुत पसंद है. देन मैं ले रही हूँ गार्नियर रिंकल लिफ्ट ये छोटू क्रीम. ये काफ़ी अफोर्डेबल है एंड बहुत अच्छी है गाइस. ट्रस्ट ने बिफोर मेकअप ये बहुत अच्छा काम करती है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ हमेशा. और गाइस, मैंने अपने नेल्स भी बना लिए हैं. जैसे मैंने आपसे कहा था दिवाली से पहले मैं कर लूँगी, तो मैंने अपने नेल्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, ग्लिटरी नेल्स. अब मैं ले रही हूँ NYX की आईब्रो केक पैलेट और इससे ही मैं अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करूँगी या आईब्रोज़ को फिल करूँगी मुझे कहना चाहिए. बहुत पिगमेंटेड होती है ये पैलेट, मुझे बहुत अच्छी लगती है छोटू सी पैलेट ये. और अब मैं ले रही हूँ मेरा करेंट फेवरेट फाउंडेशन जो कि है स्टिक फाउंडेशन शुगर का, और ये मुझे बहुत 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 पसंद है क्योंकि मैं ड्राई स्किन टाइप हूँ और ये मेरे स्किन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है. काफ़ी इजीली ब्लेंड हो जाता है, मैं इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ और शेड भी एकदम एप्रोप्रिएट है मेरे लिए. अब मैंने लिया है PAC का मिनरलाइज कॉम्पैक्ट और मैं इसे अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ. मैं आज कंसीलर मैंने यूज़ नहीं किया है, मैंने सिर्फ फाउंडेशन लगाया है क्योंकि वो फुल कवरेज फाउंडेशन था. ये मैंने लिया है रिमेल का ब्रॉन्ज़र सनकिस्ड और इससे मैं ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ. काफ़ी अच्छा ब्रॉन्ज़र है, मुझे बहुत पसंद आया ये. मैंने जल्दी ही इसको स्टार्ट किया है यूज़ करना, तो मैं अपने हॉल ऑफ माई चीक्स, जॉ लाइन, नोज़ पर सब जगह मैं अपनी कॉन्टोरिंग या ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ. ये मैंने लिया है बबल गम वेरिएंट है ब्लू हेवन का लिप बाम. ये मेरा बहुत फेवरेट है, इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी है, लगता है सच में बबल गम खा रही हूँ मैं. एक और मेरा फेवरेट प्रोडक्ट जो मुझे बहुत पसंद है वो है ये लैक्मे का शिमर ब्लश. ये भी मुझे बहुत पसंद है और मैंने आज इस वीडियो में ज़्यादातर वही चीज़ें यूज़ की हैं जो मेरी फेवरेट हैं, मुझे पसंद हैं, तो मैं इसको एज अ ब्लश यूज़ कर रही हूँ. काफ़ी पिगमेंटेड होता है तो आप केयरफुल होकर इसको यूज़ करें. ये मेरा और भी एक फेवरेट प्रोडक्ट मैक फिक्स प्लस, तो इससे मैं अपना बेस को सेट करूँगी. आज मैंने कंसीलर का यूज़ नहीं किया है गाइज क्योंकि मैं ये भी इजी बिजी जल्दी वाला मेकअप कर रही हूँ, तो और मेरा फाउंडेशन भी फुल कवरेज है, तो मैंने आज कंसीलर का यूज़ नहीं किया है. ये मैंने लिया है, ये भी मेरा बहुत फेवरेट है, आप जानती हैं, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, बेका का शिमरिंग हाइलाइटर शैम्पेन पॉप. और आप देख सकते हैं कि मेरे चीक्स एवरीथिंग लाइक मैंने जहाँ जहाँ इसको यूज़ किया है वो मिरर इफेक्ट देने लगते हैं. ये भी मेरा बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है, आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट. आई शेडो पैलेट में लेने जा रही हूँ हुडा ब्यूटी की डेजर्ट डस्क पैलेट और इसमें से एक लाइट शेड लेते हुए ट्रांजिशन एरिया में डाल रही हूँ और उसको अच्छे से ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ. गाइज, आपको मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, आप जब भी अपनी वैनिटी बनाएं तो आप कुछ चीज़ें अच्छी ही ब्रांड की ले लें, आप वन टाइम लेंगे हमेशा चलता है. जैसे कि आई शेडो पैलेट हुडा की जो है, एक ये वाली और एक दूसरी वाली रोज़ गोल्ड पैलेट, वो
भी बहुत अच्छी है, तो आप एक बार इन्वेस्ट करेंगे लेकिन आपका प्रोडक्ट बहुत दिन चलता है वो, एंड काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं शेड्स। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक ब्रश में ही मैंने एक बार पिक किया था कलर और मेरा ट्रांजिशन एरिया कम्प्लीट हो गया है। अब मैं सेम पैलेट से थोड़ा सा एक डार्क शेड लेने जा रही हूँ, डार्क पिंक शेड, और इसको मैं अपने क्रीज लाइन पर डालते हुए और इसको मैंने ब्लेंड कर दिया है अच्छे से, और मैंने लोअर लैश लाइन पे भी सेम कलर से स्मोक आउट किया है। अब मैंने इस पैलेट से शिमरी शेड लिया है और इसको मैं अपने आई बॉल्स पर प्लेस करूँगी फिंगर की हेल्प से, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया शिमरी शेड फिंगर की हेल्प से काफ़ी अच्छे से प्लेस हो जाते हैं और ब्लेंड भी हो जाते हैं। तो ये मैंने कर लिया है। फिर मैंने ब्रश की हेल्प से थोड़े अपने आई शैडोज़ को सीमलेस किया है, कॉर्नर्स को थोड़ा सा शैडो लगाते हुए ब्लेंड करने की कोशिश की है। लोअर लैश लाइन पर भी सेम कलर को अप्लाई किया है। मैंने फिर से ये बेका वाला हाइलाइटर लिया है और अब अपने मैं इनर कॉर्नर एंड ब्रो बोन्स पर इसको अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं इसको लगाने के बाद एक अलग ही लुक आने लगता है, तो मुझे ये हाइलाइटर तो बहुत पसंद है ही, तो मैंने अपने टियर डक्ट एरिया एंड ब्रो बोन्स पर इसको अप्लाई किया है। काजल मैं ले रही हूँ स्टेक वर्की का ब्लैक काजल, तो मैंने इसको आईलाइनर की तरह अपने अपर लिट पर लगाया है और फिर उसको मैं हल्का सा ब्लेंड करूँगी, क्योंकि आज मैं गोल्डन कलर का ग्लिटरी आईलाइनर लगाने वाली हूँ, तो मैं थोड़ा सा स्मोक आउट कर रही हूँ अपर लिट को और मैंने फिंगर की हेल्प से ही इसको ब्लेंड कर दिया है। ये मेरा जो ग्लिटरी आईलाइनर है ये निका के का ग्लिटर आईलाइनर है इन द शेड गोल्डन, और मैं इसको अपने लिट पर अपर लिट पर एज अ लाइनर लगा रही हूँ। अब मैंने फिर से स्टे कुर्की का काजल लिया और मैं इसको वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। ये भी काजल भी बहुत अच्छा, बहुत पिगमेंटेड होता है, ईजली ग्लाइड होता है। सो आज मैं मस्कारा के लिए ले रही हूँ ये मीना का मस्कारा, जो कि बहुत अच्छा है, हाईली रिकमेंड दिस मस्कारा, अगर आपको मिल जाता है तो आप ज़रूर लीजिए। ये आपकी लैशेस को बहुत अच्छे से वॉल्यूम एंड कर्ल दे देता है, और आज मैं फॉल्सीज भी नहीं लगाऊंगी, इसी के 2-3 कोट मैंने लगाए हैं और काफ़ी अच्छा सा रिज़ल्ट मिलता है इससे, तो मुझे ये मस्कारा बहुत पसंद है। आई हाईली रिकमेंड दिस मस्कारा। लिपस्टिक मैंने ली है मेबलिन की है क्रेयॉन इंक क्रेयॉन्स, और इसको ही मैं अप्लाई करूँगी। शेड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो आज मैंने पहले लिपस्टिक लगाई है और उसके बाद मैं आउटलाइन करूँगी लिप्स का लैक्मे के इस लिप लाइनर से रेड कलर के, तो मैंने आज पहले लिपस्टिक लगाई है, बाद में लिप्स को आउटलाइन किया है। एंड दैट्स इट, दिस इज़ माई फाइनल लुक। So guys, this is the final look that I've created today and showed you in the video for Diwali. कैसा लग रहा है आपको ये मेरा look? मैंने आज glitter eyeliner लगाया है and subtle look रखा है, बहुत ज़्यादा मैंने eyes को नहीं focus किया है eyes पर, और मैंने falsies भी नहीं लगाई है आज, क्योंकि दिवाली में सब एक ट्रेडिशनल लुक में रेडी तो होते हैं बट उतना टाइम भी नहीं रहता है कि बहुत ज़्यादा मेकअप किया जाए, तो आप इस तरीके से तैयार हो सकते हैं दिवाली पर। गाइस, पहले तो दिवाली में हम जाते भी थे सब जगह, लाइक अपने इन लॉज के घर एंड अपनी मदर के घर, बट इस टाइम तो शायद कोविड की वजह से किसी के घर आना जाना इतना अलाउड नहीं है, तो शायद ना भी जाएं, बट फिर भी मैं ऐसे ही रेडी होंगी उस दिन भी, और अपनी रंगोली, अपना फेस्टिवल अपनी फैमिली के साथ मैं अच्छे से सेलिब्रेट करूंगी, और होप करती हूँ आप सब भी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। मैं गॉड से प्रे कर रही हूँ इस दिवाली पर, आप सब भी करिए,
कि जल्दी से कोरोना का वैक्सीन बन जाए और हम सब लोग सेफ हो जाए और फिर से सारी बैक टू नॉर्मल हो जाए, सारी लाइफ हमारी जो कि काफ़ी फाउंडेशन में हो चुकी है, ना हम अच्छे से सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, ना हम कहीं जा सकते हैं, बच्चे भी घर में इतना बोर हो चुके हैं। मेरा बेटा रोज़ कहता है मुझे जाना है, मूवी देखना है, मुझे भी देखना है गाइस। मैं बहुत 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 ज़्यादा लाइक करती हूँ थिएटर में मूवीज़ देखना, और वीक में वंस मुझे ज़रूर देखनी होती है, मुझे वही एक पैशन है। लाइक मुझे मार्केट में जाने का या और कहीं घूमने का नहीं शौक है, बट मुझे मूवीज़ देखने का बहुत शौक है। तो जल्दी से ये सब स्टार्ट वो ख़त्म हो जाए और हम लोग फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाए, यही मैं इस बार दिवाली पर गॉड से प्रे करूँगी और आप सब भी ज़रूर करिएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सॉरी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलती हूँ। एंड गाइज आपसे एक मुझे कमेंट सेक्शन में एक और चीज़ पूछनी है, आप प्लीज़ उस पर लिखिए, क्या मैं अपनी आइज़ को बहुत ज़्यादा ब्लिंक करती हूँ? क्योंकि मुझे एक दो लोगों ने बोला है, मेरा बेटा भी कह रहा था, मेरी मम्मा भी कह रही थी कि तुम आइज़ को बहुत ब्लिंक करती हो, बट मुझे सच में पता नहीं चलता है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर देती हूँ अपनी आइज़ को। अब मैं कोशिश करूँगी इस तरीके से वीडियो बनाने की। तो फिर चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो कम्स। आप सबको बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से दिवाली के लिए, और अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट करिएगा, क्रैकर्स मत जलाइएगा। वैसे मेरा बेटा भी थोड़ा बहुत जलाता है, थोड़ा सा जला लीजिएगा, ज़्यादा मत जलाइएगा। एंड कोशिश करिएगा कि दिए एंड लाइट अपने इंडिया के ही लीजिएगा, चाइनीज़ आइटम पर थोड़ा कम जाइएगा। सो बाय बाय, अंटिल नेक्स्ट वीडियो कम्स, टेक केयर, लव यू ऑल।